आपका ये जो सेलफोन है ये रेडियो वेव्स के आधार पर चलता है। आपको लगता होगा आपका सेलफोन जब ऐसे ही पड़ा है, जब आप फोन नहीं कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये हर 30-40 सेकंड में एक बार एक रेडियो वेव भेजता है हवा में एंटेना की तरफ। सो कॉन्स्टेंटली योर फोन इज वर्किंग, इट इज बीमिंग रेडियो वेव्स। इधर आपके सेलफोन से या आपके सेलफोन एंटेना के पास या करीब रहने से ओवर लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। सो जस्ट अ फ्यू डूज एंड डोंट्स, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, आप इस एक्सपोजर को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो प्लीज अडॉप्ट दिस। तो क्या आपको आदत है अपना सेलफोन ऑन रखकर, अपने सिरहाने पे रखकर सो जाने की? ये बिल्कुल ही गलत आदत है, इसी वक्त तोड़ दीजिए इसे। जब आप सोते हैं आप अपना फोन दूर रखिए, चार्जिंग पे दूर रखिए, और अगर आपको अलार्म लगाना है फोन पर तो फोन को एयरप्लेन मोड पे रखिए और फिर इट्स ओके टू हैव इट बाय योर साइड। क्या आपको आदत है अपना फोन यहां पर अपने दिल के करीब या अपने पॉकेट में यहां पर रखकर पूरे दिन घूमने की? तो ये बहुत गलत आदत है, इसे प्लीज अपने शरीर पर लगाकर मत घूमिए। यू कैन पुट इट इन अ बैग, या जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपने पास एक थोड़ी सी दूरी पर टेबल पर रख लीजिए। बट डू नॉट मूव अराउंड द होल डे विद योर फोन इन योर पॉकेट। ब्लैकबेरी मैनुअल, आईफोन मैनुअल में भी लिखा है अपने शरीर और फोन के बीच में अंतर 5/8 इंच जरूर रखिए। इसका ये भी मतलब है कि हम जो ये फोन चिपका कर अपने कान पर लंबी लंबी बातें करते हैं, ये भी गलत है। द सेलफोन कंपनीज खुद आपको बता रही हैं कि कीप अ डिस्टेंस ऑफ 5/8 इंच या 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर अपना फोन रखिएगा। अक्सर हम फोन कॉल्स अपनी गाड़ी से करते हैं कि चलो हम बैठे हैं तो ये वक्त हम अपना इस्तेमाल कर लें, और सेलफोन पर फोन करते रहते हैं, ये भी गलत बात है। जब आप गाड़ी में होते हैं, जब आप ट्रेन में होते हैं, जब आप एलिवेटर में होते हैं, तो ये जो एलिवेटर है या ट्रेन है, ये जो मेटल की शीट है जो आपके इर्द गिर्द है, इट एक्ट्स लाइक अ माइक्रोवेव ओवन। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं ये वहां पर टकरा कर वापस आती हैं, एंड दैट इंटेंसिफाइज रेडिएशन इनसाइड द एलिवेटर, इनसाइड द कार, इनसाइड अ ट्रेन। क्या आपको महसूस होता है कि जब आप लंबी बात करते हैं सेलफोन पर तो आपके कान गर्म हो जाते हैं? इसका ये मतलब है कि ये जो रेडियो वेव्स आपके फोन से जा रही हैं, ये आपके कान के जो एरिया है, ये पूरा स्किन, ये सॉफ्ट टिश्यूज, ये उनको हीट कर रही हैं। इट्स लाइक अ माइक्रोवेव इफेक्ट। तो प्लीज कीप योर कॉल्स शॉर्ट। अगर आपको लंबी बात करनी है तो बेस्ट इज गेट अ वायर्ड हेडसेट लाइक दैट, ठीक है, ताकि आपका फोन आपसे थोड़ा दूर रहे और आप अपनी बात कर सके। वायर्ड हेडसेट, ब्लूटूथ नहीं। अगर आपके पास चॉइस है, लैंडलाइन है, तो सबसे बेस्ट आप अपना सेलफोन हटा दीजिए और लैंडलाइन से फोन करिए। अगर आप फोन ना करें और टेक्स्ट करें तो दैट विल बी इवन बेटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपना फोन बच्चों को मत दीजिए, खेलने के लिए भी नहीं। बच्चे जो हैं उनकी ये जो हड्डी होती है ये बहुत ही पतली और नाजुक होती है। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं जो सेलफोन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे ट्रैवल थ्रू योर चाइल्ड्स ब्रेन। सो सिंस वी आर नॉट श्योर ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ EMF रेडिएशन, इट इज बेटर टू बी सेफ देन बी सॉरी। सो प्लीज अपने बच्चों को फोन मत दीजिए। जब आपके फोन पर सिग्नल वीक हो तो तब फोन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका फोन बहुत रेडिएट कर रहा है। उस वक्त वो रेडियो वेव जोरों से एंटेना को ढूंढ रही हैं, सो दैट यू गेट कनेक्टिविटी। ऐसे वक्त पर जबकि आपका सिग्नल लो है, आप अपने फोन को प्रेफरेबली इस्तेमाल मत कीजिए। सो ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स, अपना लीजिए एंड रिड्यूस योर एक्सपोजर टू रेडियो वेव एक्टिविटी फ्रॉम योर सेलफोन्स।